हेलो एवरीवन, तो क्या आज रात चेजेस कर देंगे मेनू का पॉडल को सो से बाहर? जी हाँ गाइस, चेजेस पूरा मेनू का पॉडल से गुस्सा हो चुके हैं और मेनू का पॉडल को बहुत ज़्यादा सुनना है उनके कल के परफॉर्मेंस के लिए। क्या पूरी अपडेट, चलिए जानते हैं हमारे आज की इस खास वीडियो में। तो गाइस, मेनू का पॉडल कल बहुत ज़्यादा कमाल किया सॉन्ग गाती हुई नजर आ रही थी, कहीं दीप जले कहीं दिल, लेकिन ये गाते गाते फिर से बीच में लिरिक्स भूल गई और जजेस इस बात को लेकर इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और जजेस ने ये तक कह डाला कि अब अगर आप बार बार यही गलती करोगे और हम आपको हर बार चांस देंगे तो ये बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ अनफेयर होगा। श्रेया घोषाल ने कहा, बार बार वही गलती करना, बार बार वही पॉइंट पर रुक जाना, ये चीज़ सही नहीं है। कुमार सानू ने कहा, ये कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है जहाँ पर आप अगर लिरिक्स भूल जाओगे तो फिर उसको फिर से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ये एक लाइव सिंगिंग रियलिटी शो, आपको पूरा सॉन्ग यहाँ पे गाना ही पड़ेगा। तो तीनों जजेस ने मेनका को बहुत सुनाया है क्योंकि वो लगातार तीसरी बार लिरिक्स भूल गई है। साथ ही साथ हम सभी को पता है कि इंडियन आइडल में आज जरा डबल एलिमिनेशन होने वाला है, तो जजेस इतना ज़्यादा मेनका से गुस्सा है ये चीज़ को देखते हुए हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि डेफिनेटली इन्हें कम स्कोर दिया होगा और ये बॉटम में रहने वाली है। तो क्या बॉटम में जाके मेनका आउट हो जाएगी शो से? तो देखिए, मेनका अभी आउट नहीं होगी क्योंकि इन्हें इस वीकेंड सबसे ज़्यादा वोट्स मिला है ऑडियंस से, इस वजह से मेनका तो आउट नहीं होगी। लेकिन अगर मेनका ने जल्दी अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो फिनाले में टॉप 5 या फिर टॉप 6 में इनके लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा, जजेस इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं आगे चल के। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, अपनी भी राय कमेंट्स में जाके जरूर बताएं। अपडेट इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक करें, उसी तरह के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे क्योंकि मैं जब इस तरह की और भी वीडियोस लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन में जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।